आपने फरमाया बाबा मेरा बाबा है अली, ओ बाबा मेरा बाबा है अली है। लंगर उसे बाबे ने लगाया है, उसे बंदे जाओ के अली दे कदम फड़ ले। कह लगा लाजपाला लोगों लंगर खिला रहे हैं, आप सुखी रोटी दे टुकर पानी च भिगो के खाना है। सोने रोटी टुटदी मथे ते पसीना आ गया। कह लगा ली तेरी समझ नहीं आई, कदे खैबर दा दरवाजा चुके फिरदा रहे हैं, अज सुखी रोटी दे टुकर नहीं टुट दे। मौला ली ने फड़के सीने लाया, फरमाया बेलिया इत्थे मेरा जोर पिया लगदा है, ओ मुहम्मद दा इश्क पिया लड़दा। उन्हां दी सखावत की सुनावा। एक दिन एक ना परदेसी आया कूफे, रोजे दी अफतारी दा वेला ते मस्जिद दे कूफा च गया ते उन्हें वेख्या कि बाबा वडेरा ना सुक्की रोटी दे टुकर पानी च भिगो के रोज़ अफतार पिया करे। बाबा जोर लगांदा ते रोटी दा टुकड़ा टुटदा नहीं। बाबे दे मत्थे ते पसीना आ गया। उस बंदे नूं ख्याल आया, ओ ओ ओ इमामे हसन लंगर खाना खोले है, अफतारी पे करांदे ने, बाबे नूं ताज़ा रोटी ना लिया के देवा। वह जाके इमामे हसन दे लंगर खाने उन्हें दो रोटियां आप खादियां ते दो बगल च दबा के निकलन लगा ना, ते इमामे हसन ने पकड़ लिया ते पकड़ के फरमान लगे, जदों खा के चले आए ते लैके क्यों चले आए। उन्हें अर्ज की, हजूर और मस्जिद एक बाबा वडेरा जहा बैठा है, तो हजूर सुखी रोटी के टुकर पानी च भिगो के खाता है, तो जोर लगा तो रोटी टुटती नहीं। हजूर बाबे के मत्थे ते पसीना आ गया, तो सरकार मैं रोटी ना बाबे ने लैके चलिया। इमामे हसन की चीख निकल गई, रो के फरमान लगे, पता ही वो बाबा कौन है। उन्हें आख्या, हजूर मैं परदेसी हाँ, मैनू नहीं पता। आपने फरमाया बाबा मेरा बाबा है अली, बाबा मेरा बाबा है अली है। लंगर उसे बाबे ने लगाया, उसे बंदे जाओ के अली दे कदम फड़ ले। कह लगा लाजपाला लोगों नूं लंगर खिला रहे हैं, आप सुखी रोटी दे टुकर पानी च भिगो के खाना है। सोने रोटी टुटदी मथे ते पसीना आ गया। कह लगा ली तेरी समझ नहीं आई, कदे खैबर दा दरवाजा चुके फिरदा रहे हैं, अज सुखी रोटी दे टुकर नहीं टुट दे। मौला ली ने फड़ के सीने लाया, फरमाया बेलिया इत्थे मेरा जोर पिया लगदा है, ओ मुहम्मद दा इश्क पिया लड़दा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाथ उठा के नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। खतीबे पाकिस्तान हजरत अलामा हाफिज मोहम्मद इमरान आसी साहब। बिस्मिल्लाह बेटा, अल्लाह तुम खुश रखे। आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, हाथ उठा के आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ। अल्लाह तुहानू सारिआं नूं आबाद रखे। एक दिन इमामे हसन दा दरवाजा खड़किया, पता है इमामे हसन एडे सखी सन के सवाली नूं सवाल करन तो पहले कुछ ना कुछ जरूर दे 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 सन। किसे पुछया, हजूर सवाली नूं सवाल ते कर लैंदिया करो। फरमाया, ओ मैनूं बगैर मंगिया दे जांदा है, मैं भी बगैर मंगिया। इमामे हसन दा दरवाजा खड़किया, पुछया कौन, उन्हें आख्या जी मंगता आया। इमामे हसन ने फरमाया बेलिया नाराज ना होई, दो गड़ियां ठहरी मैं वेखा कुछ देवन ली है। अंदर गए ते मैं दो रिवायतां पढ़िया, एक विच पढ़िया 50,000 दिरहम, एक विच मैं पढ़िया 1,00,000 दिरहम, ते एक रिवायत मैं पढ़िया 10,00,000 दिरहम पे सन। इमामे हसन ने मंगते नूं फरमाया अंदर आ जा। वह अंदर आया, आपने फरमाया अपनी चादर बिछा, उन्हें चादर बिछाई, फरमाया ए सारे विच रख, सारे ला जा। नहीं बोले सुभान अल्लाह। अज जुम्मा सी, जुम्मा पढ़िया जे ना माशाल्लाह, अलामा अमीन आसी साहब को, अलामा अताल मुस्तफा साहब के किबला को तो सब पढ़िया होगा, तो मस्जिद की झोली भी आई होगी। तो कई बेली इंज होंगे कि जुम्मे वाले दिन मस्जिद जाते हैं, तो मस्जिद की झोली 10 रुपए पाने हो, तो 20 बारी सोचते हैं, क्योंकि असं बड़े वे सखी हैं ना। हातम ताई की कबर से लत मारने वाले असी मस्जिद की झोली 10 रुपए पाने हो, तो 20 बारी सोचने। पर वेख मैं तेनों कि सखी की गल पे समझ, मंगता हो रे की लैना है। इमामे हसन ने उन्होंने 10,00,000 दिरम, एक रवाज च 1,00,000 दिरम, एक रवाज च 50,000 दिरम दे के फरमाया चादर च रख ते सारे लै जा। उन्हें जदों सारे रखे ना, तो चुक लगा तो चुके ही ना जावन,
इमामे हसन फरमान लगे ए ए ए ए गठड़ी इथे रख ते जा बाजार चो ना दो मजदूर दिहाड़ी ते लेके आ ए पैसे तेरे घर छोड़ा मन ओ दिहाड़ी ते मजदूर लेके आए ते मजदूर पैसे चुक चुक के इमामे हसन दे घरों मंगते ते घर छोड़े ना जदों शाम नु वेला होके टुरिया ते दरवाजे च मंगता गया ना ते इमामे हसन फरमांदे ने यार जांदा जांदा मैनू माफ नहीं कर जांदा ओ मंगता मुड़ के कहंदा सोणिया जिन्ने कुछ ना ना देना होवे ओ कहंदा माफ करो ते इन्हां दे के माफी क्यों पे मंगदे हो फरमा देना ते है सी मुहम्मद दा पुत्रा पर माफी मंगना ओ जिहड़ा तैनू दो गड़िया दरवाजे च खिलार के आख्या सी ना दो गड़िया ठहर मैं वेखा कुछ देवा ली है कि नहीं माफी ओदी पिया मंगना वाह 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 एडा वड्डा सखी ऐसा सखी पता लग्या ओदे विच नबी वालियां भी आदतां ने ते ओदे विच अली वालियां भी आदतां ने चौथी साल इमाम हसन ने मौला अली दे नाल गुजारे ने तुसी बोले नहीं सुभान अल्लाह ओ जिन्ने एक घड़ी दो चार घड़ियां गुजारियां होन अली नाल ओ नहीं मां ते जिन्ने 34 साल अली दी गोदी विच गुजारे होन सुभान अल्लाह याद है कंबर मौला अली दा गुलाम जिन्ने वक्त गुजारे अली नाल याद है ना जड़ी रिजवी साहब किबला गल सुना रहे मौला अली कूफे आके आराम करन लगे किसे सफर तो थके ते कंबर ने आके अर्ज की हुजूर अजे लेटे अजे ना बारे क मंगता आया है फरमाया की मंगदा है आखिर रोटी मंगदा है फरमाया दे दे कंबर खड़ा फरमाया जानदा नहीं कहन लगा ओ जिहड़ी रोटी है ना रोटियां वाले तबाक च फरमाया तबाक दे दे अजे भी कंबर खड़ा फरमाया जानदा नहीं उन्हें आखिया तबाक जिहड़ा ऊंट दे कचावे ते फरमाया कचावा दे दे कंबर खड़ा फरमाया जानदा नहीं कहन लगा कचावा ऊंट ते फरमाया ऊंट दे दे कंबर खड़ा फरमाया जानदा नहीं कहंदा ऊंट 70 ऊंटां दी कतार दे विचकार खलोता है फरमाया सारी किताब दे दे मैं किताब अच पढ़िया कि पहले ऊंट दी मुहार उस वेले कंबर दे हाथ विच सी कंबर ने मुहार ओथे सटी ते आप ओथे जाके खलो गया मौला अली फरमांदे ने तैनूं की होया है कहन लगा सोणिया तेरी सखावत वेख के डर गया किधरे मैनूं ही नाल ही ना दे दे आज किधरे मैनूं भी नाल ही ना दे दे आज मेरा ईमान कहंदा कहंदा होवेगा तू राजदार खफी जली है जिधर भी देखो हुन मौला अली दा नौकर हाथ खड़ा करके मेरे नाल अली अली कवे मिलके सारे पढ़िए तू राजदार खफी जली है जिधर भी देखो अली अली है जिधर भी देखो अली अली है तू राजदार कफी जली है जिधर भी देखो अली अली है तू राजदार कफी जली है जिधर भी देखो अली अली है दवा मदीन की हर गली है किधर भी देखो अली अली है सारे बोलो सारे हाथ चा के बोलो رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ آمین 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 حلیم آل محمد حضرت امام حسن مجتبی رضوی صاحب کی بلا ابرار بٹ صاحب طارق بٹ صاحب بلال بٹ صاحب मरबान एक ऐसा शख्स है जिन्हें सारी जिंदगी इमामे हसन ने बड़ा ही तंग किया इतना तंग किया जिहड़े तारीख पढ़ने वाले लोग ने उन्होंने पता मरबान ने इमामे हसन ने सारी जिंदगी ना सुख का सांस ले लैन दिता मगर जिस दिन इमामे हसन का जनाजा टुरिया ना इमामे हुसैन ने वेख्या कि मरबान इमामे हसन के जनाजे को कंधा दे के लगातार जारो कितार रो रहा है
इमाम हुसैन मरवान के करीब गए तो उन्होंने जाके कहने लगे सारी जिंदगी तो मेरे वीर सुख का सह नहीं लैन दिता, अज मेरा वीर टुट गया तो रोना क्यों है। जुमला सुनो, तारीफ वह होंगी जो दुश्मन भी करे। मरवान ने इमामे हसन के जनाजे को कंधा दे के रोके, उस वेले इमामे हुसैन ने आख्या, कहन लगा मैं तो जनाजे ते क्यों ना रोवां, मैं जुलम वाली इंतहा कर छड़ीए पर इस बंदे ने सबर वाली भी इंतहा ही कर छड़ीए। आदत ही नबी वाली है सारी है, अली वाली है, तेने पता है ना मौला अली एक ए, ए, ए जंग विच इस तरह करके तलवार उठाई ते काफिर नु मारन लगे ते उन्हें मुंह ते माजल थुक दिता, मौला अली उतर गए ते आपने उन्हें कतल नहीं किया। उन्हें पूछा हजूर मैं तो इस वास्ते थुकया सी कि तुसी मैनू जल्दी मार दो, तरसा के ना मारो। फरमाया मैं तेनों रब ली मारन लगा, हूँ तो मेरे मुँह तो थुकया तो मेरा बिच गुस्सा अपना भी आ गया, हूँ नहीं मैं तेनों मारना। उन्हें आके ना तो कदम फड़ ले, कहन लगा मैनू कलमा पढ़ाओ। आपने फरमाया होया कि, कहन लगा सोने लोहे की तलवार ना लियो मारे पर खुलक दी तलवार नाल मार देता है। ओना च आदता नबी वालियां ते अली वालियां, अली ते नबी वालियां आदता। आओ हम लंबी गल नहीं करता, तुसा उमरे का टिकट लैके जाना, मैं सियालकोट वापस जाना है। आओ आखिरी गल करिए, इजाजत चाहिए। इमामे हसन हुसैन दोवें वीर पैदल हज करन मक्के तो मदीने तो मक्के वाल जा रहे। 25-25 हज दोवां वीरां ने पैदल मदीने तो मक्के तक किते, पाँव सुज जाते हैं, गुलामां नूं सवारियां ते बिठा के हज वास्ते भेजते हैं, आप पैदल जाते हैं। लोग जदों हाजी उतर जाते हैं सवारियों तो कहते हैं वेखो नबी दे दोतरे पैदल जा रहे, तो आपने फरमाना ना असा पैदल हज करना अपने लिए आप ही इबादत बना लिया है। इमामे हसन ने किसे पूछा हजूर तुसी ये पैदल क्यों जाते हो, सवारी तो क्यों नहीं जाते। फरमाजे कयामत नु रब ने पूछ लिया तो मेरे घर पैदल भी नहीं आ सकता तो मैं की जवाब देवांगा। हज कर जा रहे थे राज भुख लग गई। इमामे हसन ने फरमाया हुसैन भुख लगी कुछ खावन दियो। अर्ज की हजूर खाने लिए तो कुछ नहीं, वो कुल्ली नजर आ रही कखा की, इजाजत हो कुछ खाने लिए लेके आवा। फरमाया चल दो में वीर कट्ठे चलने आ, जाके दरवाजा खड़काया ते माई बाहर आई। इमामे हसन फरमान लगे माई जी असी मदीने के मुसाफिर ते मक्के दे हाजी हाँ, कुछ खावन दियो। माई आसमान वाल वेख के रो के कहती कदे एडा गरीब ना बना दू तो एडे सोहने परौने कदे खाली ना जान दें। माई रो के कहन लगी बड़ी गरीब हाँ, खावन लिए कुछ नहीं, माफ करे आज। इमामे हसन फरमान लगे असी कदे किसी दबू गए नहीं, अज आ गया ते खाली असा जाना कोई नहीं, ते माई पानी का प्याला पिला दे। माई बड़ी राजी होके कह लगी जे दो घड़ियां ठहर जाओ मैं बकरी का दुध दो के लेके आवा। माई दुध का प्याला लेके आ गई, अद्धा इमामे हसन ने पी लिया, अद्धा इमामे हुसैन ने पी लिया। तुम्हें वीर दुध पी के टुनन लगे, माई दिया कजे अथरू आ गए ते रो के कह लगी वे जांदिया दस जाओ केड़ी मां दे लाल ते केड़े बाप दे पुत्तर। इमामे हसन ने फरमाया अम्मा की पूछना चाहनी है। कह लगी कदे मिलन जी करे किथे आवा, मुड़ के फरमाया अम्मा मदीने आ जाई। कह लगी वे हुंदे कौन, फरमाया अम्मा कदे मदीने आवे मुहम्मद दे पुत्तर पूछ किया। घर लिया के ना माई की बड़े दिन खिदमत तबाजो करते रहे। माई एक दिन कह लगी वे मुंडिया मैनू जान क्यों नहीं देता। सुनो ते सुभान अल्लाह, आखो इमामे हसन ने उस माई नू 1000 बकरी 3000 दिरहम दिते। उन्हें प्याला एक दुध का पिलाया, इन्हें 1000 बकरी दे दी। माई 1000 बकरी लैके दरवाजे च पहुंची तो इमामे हसन फरमाते ने अम्मा जी ये मैं अपना हिस्सा दिता है, अद्धा प्याला दुध का हुसैन भी पीता से। माई ने इमामे हुसैन के घर छोड़ा है, वह भी खिदमत करते रहे। जो तो माई टुरन लगी तो 1000 बकरी 3000 दिरम। इमामे गजाली फरमाते ने इहया उलूम च 3000 दिरम मेरे नबी ने अता हजरत इमामे हुसैन ने दिते, 1000 बकरी दी। तो इमामे हुसैन फरमा लगे अम्मा जी पहले मेरे घर आते थे मैं बहुत देने हूँ वे वीर ना ज्यादा नहीं दे रहा, किधर वे वीर ये ना लगे मेरे ना छोटा होके वा सखी बन गए। माई 2000 बकरियां लैके मदीने की जू च निकलन लगी, मुड़ के कह लगी मैंने दिन खिदमत करते रहे हो, मैं पहचाने कोई नी कौन। इमामे हसन दिया का जे थ्रू आए, फरमाया अम्मा दुध का प्याला पिला के इत्थे ही भुल गई है, असी दुधरे मुहम्मद दे आ
कियामत या लैन देन उठे भी नहीं बोलना भाई। 2000 बकरियां लेके जा रही नाले पड़ी जाती है, बड़ा लजपान है तेरा घराना या। लगा हाथ खड़े कर लो भाई सारे आखिरी सारे सारे कोई बंदा भी हाथ नहीं खड़ा बैठा स्टेज वाला कोई भी हाथ खड़ा करो यार। जेड़ा उच्चा बोले उमरे दा टिकट ओदा ही निकल आवे। हुन जेड़ा उच्चा बोले हुन ए थैले रा के सारे पढ़ो, बड़ा लजपान है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपान है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजीफान है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पलता है जमाना या रसूल अल्लाह। भूल न जाना लोगों अजमत नबी, भूल न जाना आले नबी, भूल न जाना लोगों देखना गैर की बातों में नयाना लोगों अजमत आ।